कुछ दिन पहले पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में अंदेशा जाहिर किया गया था कि चीन तेजी से एटम बम बना सकता है। साथ ही जानकारी है कि 2035 तक चीन के पास 1500 एटम बम हो सकते हैं और पेंटागन का अंदेशा सच साबित हुआ है। लेकिन चीन की तैयारी पेंटागन के अनुमान से कहीं आगे की है। चीन सिर्फ एटम बम ही नहीं बना रहा है बल्कि एटम बम दागने के लिए ICBM मिसाइल लॉन्चर भी बड़ी तादाद में बना रहा है। चीन के इस प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 2027 में अमेरिका को हराएगा चीन, पेंटागन का इल्जाम बहुत संगीन। अमेरिका हथियारों से सिर्फ डराएगा, 2035 में चीन एटम बम गिराएगा। रेस चाहे एटम बम की हो या एटम बम ले जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों की, सर्वनाश का सामान इकट्ठा करने की दौड़ में चीन अमेरिका से भी आगे निकलने की कोशिश में जुटा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को जिनपिंग के दो विध्वंसकारी योजनाओं का पता चला है। पहली योजना 2027 की है और दूसरी 2035 की। चीन साल 2027 तक अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाकर साल 2035 तक चीन ने अपने एटम बम बढ़ाकर 900 करने का लक्ष्य तय कर दिया है। अमेरिका के पास 5,428 एटम बम है। चीन इतनी जल्दी अमेरिका से ज्यादा एटम बम तो नहीं बना सकता, इसलिए चीन ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे वो अमेरिका से ज्यादा तेजी से एटम बम का इस्तेमाल कर सके। पेंटागन को रिपोर्ट मिली है कि चीन अमेरिका से ज्यादा ICBM लॉन्चर बना रहा है। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को जनवरी में एक रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में अमेरिका के न्यूक्लियर शस्त्रागार की देखरेख करने वाले US स्ट्रैटेजिक कमांड के कमांडर जनरल एंथनी कॉटन का एक पत्र भी था। इस चिट्ठी में लिखा है कि अक्टूबर 2022 के बाद चीन और अमेरिका के हथियारों का संतुलन बदल गया है। चीन ने महाविनाश के कई हथियारों की रेस में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि पेंटागन की रिपोर्ट में लिखा है कि आज भी चीन के पास अमेरिका से ज्यादा ICBM या परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन जनरल एंथनी कॉटन के पत्र में दावा किया गया है कि चीन ने अमेरिका से ज्यादा ICBM लॉन्चर बना लिए हैं। US स्ट्रैटेजिक कमांड के कमांडर ने इसे अमेरिका के लिए एक वेकअप कॉल बताया है। यानी अमेरिका के पास भले ही आज भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बम चीन से ज्यादा हैं, लेकिन चीन के पास दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच रखने वाली लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले ICBM लॉन्चर अब सबसे ज्यादा है। ये बताता है कि बाकी देश अपनी ताकत बढ़ाने के मकसद से हथियार जमा कर रहे हैं, लेकिन चीन उन हथियारों को इस्तेमाल करना चाहता है। नवंबर 2022 में जारी पेंटागन की एक और रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन बहुत तेजी से अपना परमाणु भंडार भी बढ़ा रहा है। साल 2035 तक चीन के पास 1500 तक एटम बम हो सकते हैं। पेंटागन का अंदेशा सच साबित हुआ है। चीन ने खुद स्वीकार कर लिया है कि वो 2035 तक कम से कम 900 एटम बम तो बना ही लेगा, और दुनिया जानती है चीन बताता कम है छुपाता ज्यादा है। लेकिन चीन के मामले में खतरा सिर्फ एटम बमों की संख्या को लेकर ही नहीं है, असली खतरा यह है कि चीन दुनिया का वो खतरनाक देश बन गया है जो जल, थल, हवा और यहां तक कि अंतरिक्ष से भी दुनिया के किसी भी हिस्से में एटम बम दाग सकता है। ज्यादा बड़ा खतरा यह है कि चीन अपनी एटम बम दाग सकने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलों को जमीन के नीचे खोदी गई सुरंगों के अंदर से दाग सकता है, जमीन पर खड़े ICBM लॉन्चर से दाग सकता है, पटरियों पर दौड़ती ट्रेन से दाग सकता है,
हवा में उड़ते H-20 बॉम्बर से दाग सकता है। समुद्र की लहरों पर तैनात नेवल शिप से दाग सकता है। नीले समंदर के नीचे छिपी सबमरीन से दाग सकता है। हीलियम के गुब्बारों से दाग सकता है। यहां तक कि अंतरिक्ष में बने स्पेस स्टेशन तियांगोंग और चीनी सैटेलाइट से भी दाग सकता है। चीन तेजी से एटम बम बना रहा है, उससे भी ज्यादा तेजी से दुनिया के किसी भी कोने में अटैक कर सकने वाली अदृश्य मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार बना रहा है, और अमेरिका से भी ज्यादा तादाद में मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए ICBM लॉन्चर बना रहा है। चीन गुपचुप तरीके से बेहद खतरनाक मिसाइलें और उन्हें लॉन्च करने के लिए तरह तरह के लॉन्चर इजाद कर रहा है। चीन ने अपनी एक खास रॉकेट फोर्स तैयार की है। चीन के मिसाइल डिपो में 100 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। चीन की TF-41 मिसाइल की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। डोंगफेंग 41 सॉलिड फ्यूल से चलने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा TF-31 मिसाइल की रेंज 7,000 से 8,000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। TF-26 मिसाइल की रेंज 5,000 किलोमीटर है। TF-26 परमाणु और परंपरागत दोनों ही तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। चीन की TF-15 मिसाइल शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स की रेंज 600 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर के बीच है। नवंबर 2022 में आई पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन के पास कम से कम 2,000 ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें बिना किसी मुश्किल के एक मिनट से भी कम वक्त में जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यानी चीन ने 2,000 से ज्यादा मिसाइलों को रेडी टू लॉन्च स्थिति में रखा है। एटम बमों को लेकर चीन का कबूलनामा और पेंटागन के अंदेशे का सच साबित होना दुनिया के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अगर ड्रैगन की एटमी सनक नहीं रुकी तो बहुत जल्द बेलगाम ड्रैगन दुनिया भर में परमाणु आग उगल रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।